गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी रीड चैप्टर सेवन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ पेज नंबर फिफ्टी सेवन पार्ट थर्ड टॉपिक इंसाइजर मैंने आपको बताया था कि हमारे माउथ में चार प्रकार के दांत होते हैं इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर क्रंतक जिसे कि हम हिंदी में क्रंतक रदनक अग्र चवर्णक और चवर्णक कहते हैं इनसाइजर मीन्स क्रंतक दांत के बारे में बताया गया है ये कैसे होते हैं आप पिक्स भी देख सकते हैं द इनसाइजर आर शोवल और चाइजल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ हमारे मुँह में सामने की तरफ बेलचा और छेनी के आकार के जो दांत होते हैं उन्हें हम इंसाइजर कहते हैं एन एडल्ट हैज़ एट इंसाइजर फोर इन ईच जो एक वयस्क में आठ इंसाइजर होते हैं प्रत्येक जबड़े में चार चार होते हैं आपको पता है कि हमारे दो जबड़े होते हैं एक ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा जिसे हम अपर जौ और लोअर जौ कहते हैं दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड यह भोजन के काटने के काम आते हैं Herbivores हैव शार्प इंसाइजर टू बाइट एंड कट leaves, ग्रास एंड फ्रूट शाकाहारी जीवों में या शाकाहारी में इंसाइजर नुकीले होते हैं शार्प होते हैं और यह पत्तियों घास और फल को काटने के काम आते हैं नेक्स्ट है केनायंस जिन्हें हम रदनक भी कहते हैं केनायंस आर पॉइंटेड टीथ केनायस जो होते हैं वो नुकीले होते हैं दीज आर प्रजेंट राइट नेक्स्ट टू द इंसाइजर इन बोथ द जॉस इन्साइज़र के बाद जो दो दाँत सीधी तरफ पाए जाते हैं उन्हें हम कैनाइंस कहते हैं जो कि दोनों जबड़ों में होते हैं देर आर फोर कैनाइंस इन एन एडल्ट माउथ वयस्क के मुँह में चार कैनायंस होते हैं दे आर यूज फॉर टीयरिंग एंड ड्राइपिंग द फूड यह भोजन को फाड़ने के काम आते हैं कैनायंस जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं कार्निवोरस हैव शार्प पॉइंटेड कैनायंस टू तो कैच एंड किल देयर प्रे एंड टू तो टीयर इट्स मीट जो कार्निवोरस होते हैं मांसाहारी होते हैं उनमें नुकीले और पॉइंटेड कैनायस होते हैं जो कि शिकार को पकड़ने और मारने के काम आते हैं और उनके मांस को फाड़ने के काम आते हैं नेक्स्ट देखिए आप पेज नंबर फिफ्टी एट प्री मोलर। प्री मोलर कैसे टीथ होते हैं नेक्स्ट टू केनायंस आर द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड प्री मोलर। कैनाइंस के बाद जो चपटे और चौड़े टीथ होते हैं उन्हें हम प्रीमोलर टीथ या अग्रचवर्णक दांत कहते हैं देयर आर एट प्रीमोलर्स आठ प्रीमोलर होते हैं फोर इन ईच जॉ इन एन एडल्ट माउथ वयस्क के, के मनुष्य में सॉरी वयस्क मनुष्य के मुंह में हर जबड़े में चार प्रीमोलर होते हैं तो चार अपर में होंगे चार लोअर में होंगे टोटल हो गए एट देयर फंक्शन इज़ टू क्रैक क्रश एंड चि द फूड इनका काम तोड़ना पीसना और उसको चबाने भोजन को चबाने का काम करते हैं मतलब ये जो प्री मोलर टीथ होते हैं ये भोजन को तोड़ने उसको क्रश करने पीसने और चबाने के काम आते हैं नेक्स्ट है मोलर्स मोलर्स मीन्स चबर्ण मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्री मोलर। प्री मोलर के पीछे पाए जाने वाले दांत मोलर कहलाते हैं या मोलर के पीछे स्थित होते हैं एज कंपेयर टू द प्री मोलर, मोलर्स आर बिगर एंड वाइडर प्री मोलर की तुलना में जो मोलर टीथ होते हैं वो बड़े और चौड़े होते हैं दे हैव पॉइंट्स एंड रूप्स वे नोकदार और खाँचे नुमा होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में कैसा खांचा बना है इसमें दे आर यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग द फूड यह भोजन को पीसने और चबाने के काम आते हैं दे आर आर सिक्स मोलर इन ईच जॉ ऑफ एन एडल्ट एक वयस्क के एक जबड़े में छ मोलर होते हैं ओके okay? अ टूथ एंड इट्स पार्ट आपको अब आप एक दांत एक दांत की संरचना और उसके भाग के बारे में बताया गया है ऑल दो द टीथ डिफर इन देअर फंक्शन वैसे तो दांतों का जो कार्य होता है वो बहुत ही अलग होता है येट दे हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर लेकिन इनका एक इनकी संरचना होती है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है अटूथ में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक दांत को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं क्राउन एंड रूट क्राउन जो होता है वो ऊपरी भाग होता है दांत का और रूट जो होता है वो निचला भाग होता है जैसा कि आप शब्द से ही पहचानते हैं क्राउन मीन्स होता है मुकुट और मुकुट कहाँ होता है ऊपर सिर में पहना जाता है और रूट क्या होती है जड़ और जड़ कहाँ होती है नीचे तो टूथ को भी हम एक दांत को भी दो भागों में बांट सकते हैं जिसे हम ऊपरी हिस्से को कहते हैं क्राउन और निचले हिस्से को कहते हैं रूट द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ दांत का जो दिखने वाला भाग होता है वो क्राउन होता है जो ऊपरी भाग होता है द रूट इज द एंकर ऑफ अ टूथ एंड इनसाइड द गम्स और जो मसूड़े के अंदर पाया जाता है जो दांत सॉरी दांत का जो भाग आ, मसूड़े के अंदर पाया जाता है उसे हम रूट कहते हैं क्योंकि यह दांत को सहारा देता है द आउटर पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड एनेमल और जो दांत का अब आपको पूरा क्राउन के बारे में बताया गया है कि क्राउन जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम किस नाम से बत, बुला सकते हैं उसके कितने भाग होते हैं तो पहला भाग होता है एनेमल यह ऊपरी भाग होता है सबसे दांत का जो ऊपरी भाग आप चित्र में भी देख रहे होंगे डायग्राम बना हुआ है कि दांत का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम एनेमल कहते हैं उसके बाद देखिए ये जो इनेमल पार्ट होता है इट इज़ वेरी हार्ड वाइट एंड शाइनी यह बहुत ही कठोर सफ़ेद और चमकीला होता है अंडर द एनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन और एनेमल के नीचे जो पार्ट पाया जाता है उसे हम डेंटाइन कहते हैं ये भी हार्ड होता है कठोर होता है जैसा कि आप देख रहे हैं ये है डेंटाइन पार्ट ओके ये वाला पार्ट जो है वो डेंटाइन पार्ट है इनसाइड द डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ कॉल्ड द पल्प और जो डेंटाइन के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट है जो मुलायम भाग है डेंटाइन के नीचे मध्य भाग उसे हम पल्प कहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओके ये होता है पल्प इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इट नरिश द डेंटाइन इसमें रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं जो कि डेंटाइन को पोषण देती हैं जिससे हमारा दांत स्वस्थ रहता है द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड्स द बेस ऑफ द टूथ इज़ कॉल्ड द गम और जो मुलायम ऊतक होते हैं हमारे दांत के चारों ओर जो बेस नीचे लगे हुए होते हैं हमारे दांतों के निचले हिस्से को सहारा देते हैं तो उसे हम गम मसूड़े कहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं देखिए दांत में नीचे तरफ लगा हुआ है रेड रेड इसे हम क्या कहते हैं गम कहते हैं मसूड़ा कहते हैं ये देखिए रेड रेड Okay.